हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहन बैंकर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और कई सारे पेशेंट्स मेरे को ये क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछते हैं कि साहब आप ये एब्सोर्ड इंटरनल एम्बोलाइजेशन से वास्कुलर मालफंक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कई सारी जगह पे उपलब्ध क्यों नहीं है। कई सारे पेशेंट्स वेस्ट बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, नॉर्थ इंडिया से आते हैं, कई कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आते हैं और हर एक कंप्लेन ये होते हैं कि सर मैं वहाँ पे एम्स में गया या अपोलो चेन्नई गया बट ये एक्सरसाइज की ट्रीटमेंट कहीं पे नहीं होती है। एंड मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन ट्रीटमेंट फॉर स्क्लेरोथेरेपी, कहीं ना कहीं 3-4 स्क्लेरोथेरेपी के सेशन उन्होंने लिए होते हैं, किसी ने ग्लियोमोलेशन भी किया होता है, कई सारे पेशेंट्स हैं कि दो बार सर्जरी भी करवाई होती है बट एवरीथिंग इज फेल्ड। एंड हर एक बार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मगर कुछ चंद महीनों बाद या कुछ सालों बाद देखें तो रीजन जो पहले हो उससे भी बड़ा होता है। सो ऐसा क्यों होता है एंड व्हाई द इथेनॉल इज नॉट सो मच पॉपुलरली अवेलेबल एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर कंट्री। सो प्रॉब्लम ये है कि इथेनॉल इज अ वेरी लीथल वेपन। ये कंसेप्ट ये है कि जब वास्कुलर मालफॉर्मेशन का जो नाइडस होता है वो नाइडस के सेल को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नाइडस के सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेज पे रीग्रो होगा और ग्रोथ फास्टर होगा। सो ज्यादातर जब पेशेंट स्क्लेरोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, स्क्लेरोथेरेपी में जो ज्यादातर जो मटेरियल यूज होता है, जो केमिकल यूज होता है वो पोलिटोकोनोल या सेट्रोल होता है। एंड ये स्क्लेरोथेरेपी जो जब भी स्क्लेरोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ल्यूमेन ब्लॉक करता है, जो वास्कुलर मालफॉर्मेशन की खून की जो नलिया है उसका ल्यूमेन ब्लॉक करता है, बट उसके जो नाइडस के सेल की जो ब्लड सप्लाई है वो वास्कुलर मालफॉर्मेशन के ल्यूमेन के ब्लड में से नहीं आती है, वो बाहर से आती है। और उसी की वजह से जब ल्यूमेन ब्लॉक करते हैं तो नाइडस का सेल डिस्ट्रो नहीं होगा तो फिर से होगा ही होगा। नाउ द सेकंड इज अ ग्लू। ग्लू में भी सेम कंसेप्ट है, वो ल्यूमेन को ब्लॉक करेगा, टेम्पररी साइज श्रिंक हो जाएगी बट नाइडस डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो इसी के वजह से वो फिर से फ्यूचर में रिकरेंस होता ही होता है। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज सर्जरी। कई सारे पेशेंट सर्जरी भी करवा के आते हैं बट थिंग इज दैट कि ये वास्कुलर मालफंक्शन लीजन मसल्स में या बोन्स में इतना बुना हुआ होता है कि उसको पूरा का पूरा लीजन निकालना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और इसी की वजह से एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं हो पाती और ड्यूरिंग सर्जरी भी ब्लीडिंग इतना सारा होता है कि विजन भी इतना ऑब्स्क्योर हो जाता है कि वास्कुलर मालफंक्शन की जो अफेक्टेड साइट्स है वो ऑन टेबल डिसाइड करना भी कभी कभार सर्जन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट्स वाई छोटा सा भी पोर्शन अगर छूट जाता है वास्कुलर मालफंक्शन का तो अगेन इट विल रिकर एंड द सर्जरी विल बी फेल। सो नाउ व्हाट शुड वी डू। सो इथेनॉल एम्बोलाइजेशन से जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो इथेनॉल एम्बोलाइजेशन से जो नाइडस का सेल्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं और इसकी वजह से वो रीग्रो होने का चांसेस नहीं होता है। नाउ द व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इथेनॉल, के व्हाई द ऑल द मेडिकल कलीग्स आर नॉट यूजिंग द इथेनॉल। सो इथेनॉल इज वेरी वेरी लीथल वेपन। अगर इथेनॉल जितना वास्कुलर मालफंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी है अगर वही इथेनॉल अगर नॉर्मल वेसल में चला जाता है तो नॉर्मल वेसल को भी डिस्ट्रॉय करता है। वास्कुलर मालफंक्शन की वेसल्स एंड नॉर्मल वेसल्स दे आर इंटरकनेक्टेड, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इथेनॉल वेरी कॉशियसली कि वो नॉर्मल सर्कुलेशन में नहीं जाना चाहिए। सो आओ आज मैं बताता हूँ कि मैं इथेनॉल कैसे यूज करता हूँ। सो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक वास्कुलर मालफंक्शन नाइडस है, दिस इज अ स्लो फ्लो वास्कुलर मालफंक्शन। So, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये नाइडस को डायरेक्टली पंचर करके उसको एक कॉन्ट्रास्ट से इंजेक्ट करके मैं उसको पता लगाता हूँ कि ये जो नाइडस की वॉल्यूम क्या है। तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली पता लगा कि ये जो नाइडस का वॉल्यूम है करीबन 10 cc या 12 cc का वॉल्यूम है या मानो कि 15 cc का वॉल्यूम है। उसके बाद जब मैं ज्यादा कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करता हूँ तो वो नॉर्मल वेसल्स में जो वास्कुलर मालफंक्शन के साथ जुड़ी हुई है उस वेसल में कंट्रास्ट जाना शुरू होता है। सो आई हैव रफली आइडिया कि ये वास्कुलर मालफंक्शन का नाइडस है, उसके वॉल्यूम 10 टू 15 सीसी के बीच में है। सो दिस इज माय अपर डोज। सो ये मेरा इस नाइडस के लिए 10 टू 15 सीसी का मेरे को इथेनॉल चाहिए।
Now the next question is that how much ethanol can I inject in this nitrous? So again, it's totally entirely depending on the patient's weight. ज्यादातर हम 1 ml per kg से ज्यादा inject नहीं कर पाते हैं. मानो कि ये patients का weight 50 kg है, तो 50 kg का weight जो है, तो हम 50 ml maximum inject कर सकते हैं. So now ये nitrous का जो requirement है 15 ml है, और ये हमारा maximum dose permissible 50 ml है. तो क्या मैं पूरा का पूरा nitrous में एक ही बार में 15 ml inject करके मैं close कर पाऊंगा और करना चाहिए? So no. Answer is definitely no. Why? Because again, there is a one another parameter that is called 0.1 ml per kg every 10 minutes interval. So, मतलब मानो कि patients का weight 50 kg है, तो उसका 5 ml maximum मैं every 10 minutes पे inject कर पाऊंगा. तो मतलब मेरे को ये 15 cc का nitrous अगर drop करना हो, तो मैं 15 cc का ethanol एक साथ में inject नहीं कर सकता. आप ये देख रहे हैं कि मैं इथेनॉल इंजेक्ट कर रहा हूँ, ये जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट वो वाइट वाइट है वो आपको देखने को मिल रहा है. सो दिस इज द एरिया वेयर इथेनॉल इज आई एम इंजेक्टिंग. बट द साइमल्टेनियसली ये जो इथेनॉल जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ उसका मैं चेक कर रहा हूँ कि वो हमारे नाइडस में कहाँ कहाँ पे जा रहा है. सो इट इज अगेन इट्स वेरी वेरी वेल विजिबल ऑन द इन द कैथलर. नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जो पहले सेंट्रल में जहां मैं इंजेक्ट किया वहां से शुरू करके कौन कौन से एरिया में इथेनॉल जा रहा है उसका पूरा का ट्रैक हम कैथलर में हम कर सकते हैं. वंस आई फिल दैट ये कॉन्ट्रास्ट ये जो इथेनॉल है वो नॉर्मल वेसल में जाना शुरू हुआ या तो फिर मेरा डोज लिमिट है 5 ml का वो जो मेरा खत्म हो गया सो उसके बाद आई हैव टू स्टॉप इंजेक्टिंग मोर इथेनॉल इन द सेम सेशन. To wait for at least next 10 to 15 minutes and again check with this angiography ki after 10 minutes ke jo ethanol pehle inject kiya tha uski effect kaisi aayi hai, nitrous kitna shrink hua hai, uske baad hi main second jo agar requirement hai to main second session jo ethanol ka usi nitrous pe inject karunga. So this is very important trick ki ethanol jo hota hai wo directly ek saath hum inject nahi kar pate hain. उसके लिए there are certain rules and we have to follow the rules to avoid the complication. और इसीलिए इथेनॉल इज नॉट सो मच पॉपुलर ट्रीटमेंट बिकॉज क्या होता है कि ये सब कुछ आपको फॉलो करने के लिए यू नीड एक्सपर्टाइज एटलीस्ट यू नीड टू ट्रीट लॉट्स ऑफ केसेस कि इथेनॉल का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, ज्यादा इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कम इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, टिश्यू का रिएक्शन कैसे आएगा, कितना स्वेलिंग आएगा, local complication kya kya hone ki possibility hai. So this everything if you have done lots of cases then you are able to understand the behavior of ethanol and with the behavior of the tissue with the ethanol and that's why to develop the expertise with the ethanol embolization your center should have a heavy workload of the vascular malformation patients. So uske treatment karte hain अभी जो एसोसिएट डॉक्टर होते हैं तो सीख पाते हैं. सो इसीलिए इथेनॉल एम्बोलाइजेशन इज नॉट वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री कि उसकी ट्रीटमेंट हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है. बट डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट. आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये सब कुछ इथेनॉल इंजेक्ट करने के बाद का ये जो नाइडस का सेशन है तो कितना श्रिंक हो गया है. सो प्रीवियसली में देखिए और साथ में ये भी इट्स काफी अच्छे और श्रिंक हो गया है एंड दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइजेशन इज अ मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज टू गिव डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर वास्कुलर मालफंक्शन. नाउ वास्कुलर मालफंक्शन में भी स्लो फ्लो वास्कुलर और हाई फ्लो वास्कुलर मालफंक्शन होता है. स्लो फ्लो में डायरेक्टली हम मैंने जो ये बताया वैसे ही चेक कर सकते हैं. हाई फ्लो की ट्रीटमेंट अलग से होती है. उसके लिए एक VEX क्लासिफिकेशन है. उस तो सबसे पहले हम एंजियोग्राफी करके चेक करते हैं कौन से फेज में ये आपका ये हाई फ्लो वास्कुलर मालफंक्शन आता है और उसके हिसाब से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको भी अच्छी तरह से रिजल्ट मिलता है. सो इथेनॉल इज वेरी डेफिनेटिव इट हैज वेरी गिविंग इट हैज गिवन वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स. साइमल्टेनियसली इट रिक्वायर्स मल्टीपल सेशन बिकॉज ऑफ द डोज रिस्ट्रिक्शन and to avoid the complication with the systemic
या सर्कुलेशन में जब जाता है तब ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन न हो, उसके लिए हमको छोटे छोटे डोज में ये ट्रीट करना पड़ता है. एंड बट इन द लॉन्ग टाइम विद द मल्टीपल सेशन इट गिव्स वेरी इफेक्टिव वेरी गुड ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर द वास्कुलर ऑपरेशन. थैंक यू सो मच. आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.